यहाँ तो कोई भी नहीं है। इसे कहते हैं डर, इसे कहते हैं खौफ। आज से रोज इस गांव में ऐसी ही आवाज सुनाई देगी। आज से हर दिन हर घर में आकर रोज एक एक को पकड़कर परेशान करूंगी। इस गांव में हर किसी को नर्क दिखाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। बच्ची कैसी है? मेरी बेटी को बचा लीजिए जी, आज या कल वो उसे मार ही देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर आए थे क्या? हाँ वो आया था। तो फिर डॉक्टर डॉक्टर के पास गया जिया जी। वो क्यों? आपकी बेटी से मार खा के डॉक्टर पेशेंट बन गया जिया जी। तो फिर अब क्या करें? अपने गांव के पंडित को मैंने फोन किया था। देवी नाम की एक लड़की है जो भूतों को भगाती है। चाहे कितना भी बड़ा भूत हो वो जरूर निकाल देती है। अगर वो यहाँ आएगी तो आपकी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी जिया जी। अभी वो लड़की कहाँ है? सेल्स गर्ल आई है, हमारी बॉडी से यहाँ पसीना निकल रहा है और यही हमें स्प्रे बॉटल बेचने। आप कौन है मैडम? देवी। देवी जी अंदर आइए, आप अंदर आइए, आइए। देखने में बड़ी अजीब सी लग रही है मैडम, आपके कपड़े पहनकर नहाती हैं। वो लड़की कहाँ है? अब वो लड़की नहीं है, भूत है मैडम, उधर है।
बहुत बढ़िया हुआ, आखिर भूत तो भाग गया। बताओ कौन हूँ? मैं उस लड़की की बहन हूँ। अपनी बहन को ऐसे सताना गलत बात है ना? मुझे अपने पिता से बहुत प्यार है। मेरे पिता भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा चेहरा देखने के बाद ही वो नींद से उठते थे। मुझे खिलाए बिना वो खुद नहीं खाते थे। अब मेरे पिता मेरे मरने के बाद मुझे पूरी तरह भूल चुके हैं। मैं सिर्फ नाम के लिए मर गई हूँ। मेरी आत्मा उनके आस पास ही घूमती रहती है। हर पल मुझे प्यार देने वाले मेरे पिता मुझे भूल कर मेरा प्यार मेरी बहन को दे रहे हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उन्हें मेरी याद आने के लिए मैं उन लोगों को सता रही हूँ और उन्हें सताती रहूँ। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि तुम्हारे पापा हर पल तुम्हें याद करें। तुम्हारे जन्म दिन पर, तुम्हारे मौत के दिन पर, यहाँ तक कि हर त्योहार पर वो तुम्हें याद करेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले तुम्हारी फोटो के सामने दिया जलाएंगे। खाने का पहला निवाला तुम्हारे नाम से निकाल कर रखेंगे। ऐसा है तो मैं उन्हें कभी नहीं सताऊंगी। मिस देवी, भूत पकड़ने वाली के इतने सारे फॉलोअर्स। YouTube 40 lakhs हिट्स। Facebook Oh my God, 6 lakhs followers. Twitter, 8 lakhs. हमारी गांव की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये लड़की ठीक रहेगी। इसका फोन नंबर है 897864। इतनी बार ट्राई कर चुका हूं, फोन ही नहीं उठा रही। छह मैडम, मेरा नाम चिट्टी है, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोलो। चित्तूर के पास बेवगौड़ा नाम का एक छोटा सा गांव है मैडम, बहुत सुंदर गांव है। यहाँ के सभी लोग बहुत भोले भाले हैं। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है मैडम। क्या समस्या है? कई महीनों से एक भूत हमारे गाँव की सभी औरतों को परेशान कर रहा है मैडम। हमारे गाँव के सभी लोग उस भूत से बहुत डरे हुए हैं। मैंने नेट पर आपके बारे में पढ़ा, मुझे लगा शायद आप हमारी मदद कर पाएं। ओके, मगर अभी नहीं, मेरे दूसरे अपॉइंटमेंट्स हैं। वो सारे काम पूरा करके आने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। हर रात शिवरात्रि की तरह जागरण हो रहा है। अगर ऐसा रहा तो अपनी तबीयत का क्या होगा? बड़े पापा, हमारी समस्या अब सॉल्व होने वाली है। कैसे? हमारे गाँव में एक देवी नाम की लड़की जो भूत पकड़ती है आने वाली है। अरे बाप रे, ये कौन है बड़े पापा? पकड़ लो मुझे। उसे छोड़िए, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तालकोना के स्वामी मंत्र शक्ति जानते हैं। अपने गांव के उस तरफ जो पहाड़ है वहाँ इनका आश्रम है, ये लोग उनके शिष्य हैं। बाबा जी, नेपाल से बड़े स्वामी जी कब आएंगे? उन्होंने कहा है 40 दिन के बाद आएंगे। भूत की परेशानी अगर दूर करनी है तो स्वामी जी ने कहा है कि यज्ञ करना होगा। उनके आने तक गाँव में कोई नया आदमी नहीं आना चाहिए, ऐसा कहा है। परेशानी की वजह से ये पोस्ट ऑफिस बंद कर दिया गया है। अरे
मैडम। हेलो, कहाँ हो तुम? मैडम मैं सो रहा था मैडम। खुशी हुई सुन के। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे गांव आ गई हूँ। सच में? आकर एक घंटा हो गया है। कहाँ हैं आप? यहाँ पोस्ट ऑफिस के पास हूँ। आप वहीं रुकिए, मैं अभी आया मैडम। सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया। चिट्ठी मतलब? मैं ही हूँ मैडम, मेरा नाम है। मैं लेट आया इसलिए मारा क्या? पैंट पहने बिना आए हो इसलिए? मैं रोज बिना अंडरवियर के सोता था, आज अंडरवियर पहन के सोया। थैंक यू गॉड। एक मिनट मैडम, अच्छा हुआ रास्ते में कोई कुत्ता नहीं मिला, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ काटता। आइए मैडम, आप इतनी जल्दी आ जाएंगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किसी वजह से मेरा जर्मनी जाना कैंसिल हो गया। तुमने बताया था कि यहाँ की हालात बहुत खराब है, तो सोचा यहीं आ जाती हूँ। बहुत अच्छा किया मैडम। ये क्या, सारा गाँव सुनसान पड़ा है, गाँव में एक इंसान भी नहीं दिख रहा है। कहाँ है सब लोग? सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं मैडम। इस टाइम पर सो रहे हैं? यही तो प्रॉब्लम है मैडम, रात को भूत आकर किसी को भी पकड़ लेता है, इसलिए सब रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, और फिर रात होने से पहले उठ जाते हैं। तो फिर खाना पीना? सब रिवर्स, रात के सारे काम सब लोग दिन में करते हैं और दिन के सारे रात में। देखा आपने, मुर्गा भी अभी बांग दे रहा है, जिसका मतलब अभी सुबह। इस गांव को शैतान ने घेर रखा है, पाप के बढ़ने से पूरा गांव उसमें डूब चुका है। कुछ नहीं होगा, भगवान भी मंदिर में आंखें बंद किए हैं। अब इस गांव का कुछ भी नहीं होने वाला। कौन है? वो राजेंद्र घड़ा है, एक्शन हीरो की तरह बीच में एंट्री लेता है, पावरफुल डायलॉग बोलता है, और फिर रात हो या दिन हो अकेला ही घूमता रहता है। नहीं बचेगा। आइए मैडम, यही है आपका कमरा। अच्छा नहीं है क्या? गांव में इससे अच्छा और क्या मिलेगा? बहुत अच्छा है। थैंक यू मैडम। ये क्या मैडम, बड़ी कलरफुल बॉटल्स हैं। ये तुम्हारे काम की नहीं है, समझ गए ना? समझ गया मैडम, आपको भी पीने की आदत है ना। ये क्या मैडम, पैंट पहनने के बाद भी मार रही हो। मैडम जब से मैंने पीनी छोड़ दिया ना, मुझे सारी बोतलें शराब की दिखती हैं। वैसे ये बॉटल्स। सुनो, गलती से भी इन्हें टच मत करना। ओके ओके, नहीं छूंगा। आप रेडी हो जाइए, गाँव वाले उठ गए होंगे, आकर सबसे मिल लीजिए। बॉटल्स इतनी कलरफुल हैं, तो इसके अंदर की दारू कितनी कलरफुल होगी। लगता है मैडम की सुंदरता का यही राज है। एक बार चख के देखूं क्या। हाँ, चलो 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 चलो। अरे रुको रुको रुको, ये सब लोग ऐसे क्यों भाग कर जा रहे हैं? अरे सरपंच जी के घर में भूत भगाने वाली लड़की आई है। मेरे गाँव की हालत तो आपको पता ही चल गयी होगी, उस भूत की वजह से इस गांव के लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर जी रहे हैं। यहाँ के हालात जानकर वक्त से पहले ही आ गई हूँ मैं यहाँ। आप यहाँ आई हैं इससे हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। हमारे गांव के स्वामी ने इस गांव में किसी नए आदमी को आने से मना कर दिया है बेटी। इट्स ओके, मैं वापस चली जाती हूँ। मैडम आप रुकिए, ये क्या बड़े पापा, उनके कहने से क्या होता है? एक बार स्वामी जी से आप खुद बात करके देखिए ना। ठीक है, उनको मैं संभाल लूंगा, तुम इसे पूरा गाँव घुमा कर दिखा। ठीक है बड़े पापा, चलिए मैडम। रात होते ही मुझे बहुत डर लगने लगता है, क्या होगा क्या पता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या बात है दादी, आपको भी भूत ने पकड़ा था? उस वक्त कैसा लग रहा था आपको? मुझसे कुछ मत पूछो बेटी, मुझे तो डर लग रहा है। मैडम जी आ गई है ना, ये ताबीज जैसी रक्षा करेगी। डरने की जरूरत नहीं है, जब आपको भूत ने पकड़ा था तब आपको कैसा महसूस हुआ था बताइए? अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, बदन में खुजली होने लगती, जोर से चिल्लाने का मन करता, उसके बाद क्या होता मुझे तो कुछ नहीं पता होता। लोग कहते हैं कि मैं बाल खुले छोड़कर भूत की तरह चिल्लाती हूँ, सामने जो भी आता है उसे मैं नहीं छोड़ती, और आखिर मैं अपने पति को ही मारने चली गई थी। चिट्ठी, इस गाँव में कोई और है जो इस बारे में मुझे जानकारी दे? क्यों नहीं है, हमारे गाँव में सबके पास भूत की समस्या है, चलिए मिलवाता हूँ। देखा आपने देवी मैडम, रात में भी हमारा गांव कैसे जगमगाता रहता है। क्या सोच रही मैडम, कोई प्रॉब्लम है? ये सब लोग। जय पवन, जय जय पवन कल्याण। उसका नाम जैक्सन है, बहुत अच्छा हेयर ड्रेसर है, उसको हेयर कटिंग में कई अवार्ड मिले हैं। चलो जाओ। अरे बाप रे बाप, फोन।
ए, तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं, तू जा, 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 निकल। मैडम, आपको यहाँ भूत दिख रहा है? सुब्बाराव, सुब्बाराव। इसका नाम है सुब्बाराव। ये इतना अच्छा कपड़ा धुलता है कि पुरानी साड़ी भी नहीं कर देता है, बहुत अच्छी प्रेस भी करता है, बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है। क्या है बे? मेरी लुंगी कहाँ है? जो पहना है वो तेरी लुंगी है क्या? अरे मुझे खुजली क्यों हो रही है? ये तो कोरोना की लुंगी है। तो फिर मेरी लुंगी कहाँ? इसके नीचे। ये तेरी है ना? तू कभी नहीं सुधरेगा। चल भाग, बढ़ाया लुंगी मांगने वाला। रेशम की लुंगी है क्या तेरी? आप उसके कपड़े क्यों पहनते हैं जी? तुम चुप रहो। ये साड़ी किसकी है पता है? किसकी है? उसकी बीवी की है। मेरा नसीब। गली की सुंदरी देखी है क्या? देख रहा हूँ। टमाटर की तरह लाल होती है। देख रहा हूँ। ये है चारी, मेरा क्लासमेट है। किसी भी मंदिर में एज अ पंडित ज्वाइन करना चाह रहा है, पर हर मंदिर से भगाया जाता है क्योंकि हर मंदिर की दान पेटी से ये चोरी करता है। ये हमारे गांव का भूतपूर्व पंच है, बुढ़ा हो गया है लेकिन लड़कियों के मामले में अभी भी ढीला है। अब क्या हुआ? तुम सुई में धागा डालो। ये है सुई धागा। इसकी बीवी हमेशा इससे सुई में धागा डालने को कहती रहती है। जिस दिन ये सुई में धागा डाल लेगा उस दिन ही मशीन मिलेगी। ऐसे क्या घूर के देख रहे हो? ये भूत पकड़ने आई हैं। आपने कभी पहले भूत पकड़ा है क्या? अरे तुम लोग इन्हें जानते नहीं हो, इन्होंने बहुत सारे भूत पकड़े हैं, समझे? क्या आपको भूत पकड़ने का अनुभव है? अनुभव से तुम्हें क्या लेना है? तुम कोई जिला कलेक्टर हो जो इसका इंटरव्यू ले रहे हो? इस गांव में भूत थोड़े ना है जो ये पकड़ने के लिए आई है। क्या भूत नहीं है? सिर्फ इस गांव में ही नहीं, इस दुनिया में कहीं भी भूत नहीं है। कोई भी कहेगा तो मैं मानने वाला नहीं। आपके मानने से क्या होता है? ये बेचारी इतनी दूर से हमारी मदद करने आई है। आप कुछ भी करो मैडम जी, पर इस भूत को इस गांव से भगा दो। आप सब लोगों से मेरी एक विनती है, आप लोग अपने सारे काम दिन में किया कीजिए और रात को आराम से सोइए। इस गांव में आगे से कोई भी समस्या ना आए इस बात का ख्याल मैं रखूंगी। तो आप इस कमरे में हैं? लगता है नाइट में भी मेकअप करके सो रही हैं। यार इन बॉटल्स में आखिर है क्या? लगता है फॉरेन का ब्रांड है। कौन सी बॉटल चुनूं? ये वाली। अरे ये तो वाइब्रेट हो रही है। अरे बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रही है। तो इसमें इतना वाइब्रेशन है तो इसमें कितना होगा? ये तो खाली है। ये वाली देखता हूँ। ये कैसा साउंड था? इसमें तो पक्का कुछ अच्छा होगा। आप लोग कौन हैं? अंधे हो क्या? ये तेलंगाना की शकुंतला है, ये सूर्यकांता है और मैं सिल्क स्मिता। सब लोगों से हाय बोलो। हाय। हाय। आप लोग अभी जिंदा हैं? नहीं, अगर हम जिंदा होते तो इस बोतल में क्यों होते? मतलब भूत? नहीं मुन्ने, आत्मा है। दोनों में फर्क क्या है? अरे बेटा, इंसान मर गया तो भूत बन जाता है, आर्टिस्ट मरे तो आत्मा बनती है। तो आपका फेस इतना अजीब सा क्यों हो गया? कई महीनों से इस शीशे में बंद पड़े हैं ना, इसलिए हमारा चेहरा खराब हो गया। तो आप लोग बाहर क्यों आए? आत्माओं को भी ताजी हवा की जरूरत होती है बेटा। दीदी, हम शीशे में बंद थे, हमें मिलकर कितने दिन हो गए? हम तीनों को मिलाने वाले इस कमीने का एहसान कैसे चुकाएं? कैसे चुकाएंगे? अभी इसे मार कर अपने जैसा बना देते हैं, फिर हम तीनों के साथ ये खेलता रहेगा। मार दोगी? चलो इसको मारते हैं। ऐसे राउंड राउंड घूम के कंफ्यूज मत करो। अरे रुको। अरे मैं आदमी हूँ या तंदूरी मुर्गा जो मुझे काट के खाने की बात कर रहे हो? मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? ठीक से कर ले। थोड़ा नाच के दिखा।
अब दूसरा गाना। चलो चलो मैडम आ रही है। हाँ चलो 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 चलो। ए, क्या हुआ तुम्हें? मैडम, उन बॉटल्स ने मुझे इन्हें छूने के लिए मना किया था ना? आप थोड़ी और देर से आती तो उन्होंने मेरी जान ले ली होती। वो पिंक वाटर वाली है ना, उसने मेरी बॉडी में नए नए पार्ट्स ढूंढकर उन पर बहुत मारा। बाप रे, मर गया। मैडम, लगता है गांव वाला भूत आ गया। चलिए चलकर देखते हैं। क्यों जी, मुझे गद्दी समझती हो जो तुमने मेरी ऐसी धुनाई कर दी? छी, मैंने ऐसा कब कहा जी? मैं तुम्हारा पति हूँ, ये देखे बिना मुझे ऐसे मारा तुमने? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है जी, छोड़ दीजिए मुझे। ऐसे ही छोड़ दूंगा तुम्हें? क्यों छोड़ दूं जी तुम्हें? क्या समझ रखा है मुझे? सिंघम वंश के इतने कपड़े धो चुका हूँ मैं, ऐसे महान आदमी को तू ऐसे धोएगी? तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या भाई साहब, क्या हुआ जी, क्यों बोल रहा है तू? कपड़ा देखिए कैसे फट गया, देखिए ना। हाँ, फट गया है तो तू क्या करेगा बता? आपको क्या करना है भाई साहब, कपड़े तो मेरे है ना। हाँ, ये लुंगी मेरी है। इसमें संदेह क्या है, ये तो तुम्हारी ही है। नीचे क्या देख रहा है रे? ये कच्चा तेरा है क्या? तेरा ही है, उधार कर नाक के सामने रख दूंगा तो मर जाएगा तू। कितना गंदा है। कहीं का, जब से इसे पहना है मुझ पर दरिद्रता चढ़ गई और मेरी बीवी पर भूत चढ़ गया है। पनौती कहीं का। पनौती क्या मतलब? इसे कुछ ये बताएगा, मुझे मारेगी तू, मुझे मारेगी। क्या हो रहा है? इसकी बीवी पर भूत चढ़ा तो उसने इसको मारा, अब ये बीवी को मार के भूत चढ़ा रहा है। अब अगर एक शब्द और बोला ना तो मैं तेरा मुंह खोल दूंगा। इसे भूत भूत कुछ भी नहीं चढ़ा है, इसे इसके मायके नहीं भेज रहा हूँ ना, इसलिए ये सब नाटक कर रही है, ये चंद्रमुखी की तरह नौटंकी। नहीं जी, मैं उस समय होश में नहीं थी। अरे बाप रे। ए, तूने मुझे क्यों मारा है? मैं सब अच्छे से जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। रुक जाइए, ये औरत सच कह रही है, शरीर में भूत के घुसने के बाद वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि भूत होता ही नहीं है, तब तुम यहाँ पर ये सब उल्टा सीधा समझा क्यों रही हो? तुम तो मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? न मैं इस पर यकीन करूंगा और न भूत पर करूंगा। अगर भूत होता है ना तो उसे मेरे सामने लेकर आओ, हैंड टू हैंड एंड फेस टू फेस, देख लूंगा मैं उसको। चिट्टी। मैडम, भूत बोला तो ये क्यों आ गया? लगता है तेरा बैड लक शुरू होने वाला है। क्या निकाल रही है? मैडम मैडम, ये पिंक बोतल मत निकालो, ये मर जाएगा मैडम। ये वैसी वाली बोतल नहीं है। ये कौन सी बोतल है? इससे भी बड़ी बड़ी बोतल देखा हूँ। चल दिखा अपनी बॉटल। तो क्या हुआ मुझे? कुछ भी तो नहीं हुआ, वैसा ही हूँ, बड़ा निकाला था बॉटल। अब पता चलेगा तुम्हें। लगता है भूत चला गया। हे पंडित, बता तूने दान पेटी का पैसा निकाल कर कहाँ छुपाया है? बता मुझे, जल्दी बता, जल्दी छोड़ूंगा। क्या हुआ था मुझे? क्या हुआ था? अरे भूत ने तेरे अंदर घुस कर तेरा डिंग डोंग डिंग कर दिया था, समझा? मैं तो नहीं मानता। पता था तू नहीं मानेगा, इसे तेरी फिल्म बना दी है, देख ले। भूत तो नहीं दिख रहा है इसमें। तुझे देखने की जरूरत नहीं, उसे तू दिखेगा यही काफी है। अगर तूने भूत को सामने से देखा होता तो तू वहीं मर जाता। जैसे तुम्हें भूत ने पकड़ा और तुम्हें पता नहीं चला, वैसे ही तुम्हारी बीवी को भी पता नहीं चला। क्यों भाई, अब तो मानते हो ना कि भूत होता है? हाँ, मानता हूँ। ये लो, इसे रख लो। इसका क्या करूँगा? जब भी तुम्हें ऐसा शक हो कि भूत नहीं है तो ये ढक्कन खोलो। नहीं रे बाबा। कितने दिन हो गए इस गाँव में आके? 2 महीने हो गए मैडम, और आते ही ये भूत की टेंशन हो गई, इसलिए आपको कॉन्टेक्ट किया। Suffering, 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 su
मैडम क्या सोच रही हैं आप? ये घर किसका है? मुझे नहीं पता मैडम, मैंने कहा ना मैं भी इस गांव में नया हूँ। नमस्कार जी। नमस्ते, ये घर किसका है? माधव राव जी का घर है, काफी मशहूर आदमी है ये, पत्रिकाओं में कहानी और कविता लिखते रहते, पूरे देश में इनका नाम है, मगर क्या फायदा, ये लोग कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते। क्यों, उन्हें गांव से निकाल दिया गया है? इन्हें गांव से निकाला गया है या फिर इन्होंने नाता तोड़ लिया है क्या पता, लेकिन ये लोग कभी भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलते। मैंने अनजाने में उसे पैसा दे दिया, वो मेरा पूरा पैसा खा गया। क्या हुआ? मेरी बीवी पर भूत चढ़ गया है, वो अलमारी बनाने वाले के ऊपर चढ़ी हुई है, कैसे भी करके मेरी बीवी को बचा। अच्छा, तो तुम उससे इतना प्यार करते हो? नहीं, मैंने अपनी बीवी से बचाकर 2000 रुपए पंडित को दिए थे, अगर वो मर गया तो मेरे पैसे कौन देगा? तुम नहीं बचा सकते हो क्या? अरे सब मर जाएंगे तो उसे दफने वाला कौन बचेगा? ये क्या मैडम, एक ही थप्पड़ में एक्सप्रेशन चेंज? ये नाटक कर रही है चिट्टी, इस पर कोई भूत भूत नहीं चढ़ा है। भूत से अच्छी तो इसने एक्टिंग की है। सच सच बताओ, क्या तुम्हारे अंदर सच में भूत है? नहीं मैडम जी, मेरे अंदर कोई भूत नहीं है। दोबारा ऐसा कभी मत करना। ऐसा नाटक करके अपने पति को डरा रही हो? इसे जान से मारना चाहती हो क्या? ये मुझे जीने नहीं देता मैडम जी, जब देखो तब ये जुमजुम जुमजुम करना चाहता है। जुमजुम जुमजुम, ये क्या होता है? अब मैं आपको क्या बताऊं जी, ये जब भी जुमजुम बोलता है मेरा हाल बुरा हो जाता है, खटिया के चारों पैर टूट जाते हैं, किचन में, बाथरूम में, हॉल में, बरामदे में, न दिन न रात, आखिर में बाजार में अगर कोई ना देखे तो वहाँ भी ये जुमजुम जुमजुम। चारी के अंदर इतना रोमांटिक टच है, ये इंसान है या करंट का ट्रांसफार्मर? इसके इस जुमजुम से बचने के लिए मैंने भूत का नाटक करना शुरू किया। इस आदमी को डराने के लिए तुमने जो ड्रामा किया है, इसका गाँव वाले पर क्या असर होगा पता है? देखिए ये जो है ना, इसमें भी सब कुछ जुमजुम जुमजुम ही है। मैडम ऐसा लग रहा है कोई हाथी सोया पड़ा है। कर अब जुमजुम। अभी लेके जा रहा हूँ, बाद में लौटा दूंगा। वो तो मंदिर की जमीन है ना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की मंदिर की जमीन? मंदिर तो पहाड़ के उस तरफ है, मेरी जमीन दूसरी तरफ है। लेखपाल का हाथ गर्म नहीं हुआ तो मेरी जमीन मंदिर की जमीन में मिला देगा। आप कुछ भी कर लीजिए मालिक, लेकिन भगवान की जमीन का एक इंच भी मत छुइएगा। अरे बेटी आ जाओ, सही समय पर आई हो यहाँ। ये मेरा भांजा है, चक्रवर्ती नाम है। इस गांव में जितने भी ब्रिज है ना, सब इसी ने बनाए हैं। ऐसे बोलेंगे तो लगेगा कि मिस्त्री हैं। साफ साफ बोलिए कि ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। अरे चुप रह तू चक्रवर्ती, इस लड़की का नाम देनी है। मैं जानता हूँ इन्हें, आइए बैठिए ना। खड़ी क्यों? आओ बेटी, तुम भी हाथों में चूड़िया पहन लो। नहीं माँ जी, अभी मुझे जाकर रेस्ट करना है। आप तो शहर वाली हैं, ऐसी टूटने वाली चूड़िया थोड़ी पहनेंगी। गले में पहनने वाला है, आप कहिए तो आपको दे दूं। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्यों भाई, क्या हुआ इस लड़की को? वो क्या है, भूत के बहाने कुछ लोग गांव में नाटक कर रहे हैं, ये देखकर मैडम को गुस्सा आ गया और इनके साथ मुझे भी। गुस्सा क्यों आ गया, आइए यहाँ बैठ। क्यों, मुझे भी चुड़िया पहनाओगे? पागल है, ग्राहक नहीं है तो मर्द को भी चुड़िया बनाएगा? भैया ये तो बहुत बड़ा जोकर लगता है तेरी तो। मैडम आप अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर लो, मुझे भी थोड़ा जरूरी काम है, वो मैं करके आता हूँ मैडम। सुजाता, लच्छी के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है क्या वो सच है? अरे वो देवी है। दीदी 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 चलो चलो खेलते हैं। ओके बच्चों चलो खेलते हैं। ए यहीं पर खेलेंगे? हाँ। ए कहाँ जा रही हो? खेलने के लिए। ए गंगा देख उस पेड़ पर कितने सारे अमरूद हैं। हाँ पता है दीदी। ए जमुना तू मुझे तोड़कर देगी? अरे बाप रे, वो तो माधवराव जी का घर है, वो मुझे डांटेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही है, दीदी मांग रही है ना, चल लेकर आते हैं। कौन है, कौन है, कौन अमरूद तोड़ रहा है? इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने ही इसे तोड़ने कहा था। गांव का कोई भी कभी इधर नहीं आता, इसी घर का अमरूद चाहिए क्या आपको? देता हूँ बेटी, जितना चाहिए उतना ले लो। इतना खाओ और ले लेना, चलो आओ।
सब लोग संभाल कराओ, संभाल कराओ सब लोग। सबको चढ़ गई है, बहुत ज्यादा चढ़ गई है। 1 2 3 4 ओके। शराब कम पड़ गई। ए, तेरे अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है, दूर रह। अरे कैसी बात कर रहा है, सस्ती वाली तो तूने पी है, मैंने महंगी वाली पी है और तुझे मुझसे बदबू आ रही है। बेवड़ा कहीं का। अरे चल, सुई के धागे जितना है तू और इतना उड़ रहा है। तुझे ये अपने दोनों हाथों से दबाएगा ना तो तेरी जान जो है हवा में मसल दूंगा। अरे जरा सामने देखो क्या हो रहा है। यहाँ से किसी लेडीज की खुशबू आ रही है। वहाँ पे लेडीज है, चलो देखते हैं। रुक जा रुक जा, क्या कर रहा है? तुझे हर जगह अपनी टांग घुसाने की आदत है क्या? है वहाँ कौन है या क्या है वो तुझे वहाँ जाकर देखना जरूरी है क्या? तो डरपोक है। क्या कर रहा है तू? भूतनी है। ए भूतनी, ए भूतनी। अरे रुक जा, लुंगी खोल के दौड़ता हूँ वरना मुझे भूतनी पकड़ लेगी। पीछे मुड़ कर देख, भूत आ रहा है क्या? चुपचाप बैठ हुई भूत को छेड़ दिया और सुई चुभो दी है, वो हमसे बदला ले रही है। तो भूत ने सुई को मार भी दिया होगा। मैडम चलिए देखते हैं, चलिए। अरे सैरा बानो, भूत तुम हो, इतने दिनों तक अपने गांव वालों को तुम सता रही थी। वो भूत अलग है और मैं भूत अलग हूँ मैडम। तुम अकेली हो या तुम्हारे जैसे और भी हैं? मुझे लगता है वहाँ पर एक और भूत है मैडम। देख क्या रहे हो, लात मार कर निकालो उसे। अरे पंच तुम, मुझे माफ कर दीजिए, जो भी हुआ है जो आपने देखा है उसे भूल जाइए। ऐसे भूत का ड्रामा करके गांव वालों में कितनी दहशत पैदा कर रहे हैं पता है आपको? हम ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे मैडम। माफ कर दीजिए, चलो गांव के बाहर बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहीं चल के अपनी दुनिया बसाते हैं। छे, सब इस लकड़ी की वजह से ही हुआ। मैडम अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना मेरा तो कबाड़ा ही हो गया होता। वो देख लिया होता ना तो तेरे सुई का धागा निकल जाता। भूतनी सुई के लिए आई थी क्या? ये सब बातें छोड़, तू अपने घर जा, भूत भी घर गया। क्या वो भूतनी मेरे घर गई है? जो भी हो सबको अपने अपने घर जाना ही होगा ना। ठीक है मैडम, घर में शायरा बानो अकेली होगी, वो डर रही होगी। मैं उसे, ए शायरा बानो मैं आ रहा हूँ। बेचारा अपनी बीवी से कितना ज्यादा प्यार करता है। गाँव के लोग कितने नादान है, भूत का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करके वो लोग अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। रुक, क्यों रे? और कितने दिनों तक सच्चाई छुपाएगा? तेरी पोती ने मेरे बेटे की जान ले ली। अरे आज ही के दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था, आज ही के दिन उसका श्राद्ध करके आ रहा हूँ। सोचा था वो मुझे खिलाएगा लेकिन मैं उसे पिंड खिलाकर आ रहा हूँ। कितने सपने देखे थे हमने इसे लेकर, हमारी खुशी छीन कर तुम सोचते हो कि खुशी से रह लोगे? जीने नहीं दूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। अरे लोगों को पता होगा तब ये बताएंगे ना, ये बेचारे तो अपनी पोती के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा दुखी है। अरे वो सब नकली आंसू है इसके। ए, इनसे प्यार से पूछो तो कुछ नहीं बोलते, तलवार से काटो तब बोलेगा। तुम इंसान ही हो ना, इन्हें जान से मारने जैसा कोई पाप इन्होंने नहीं किया है। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? उसकी पोती मेरे बेटे को मार कर भाग गई है। उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि वो उसे प्यार करती थी। ये बात तुम्हारे बेटे ने बताई थी क्या? बताना जरूरी है क्या? अगर वो नहीं बताएगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तुम सच में इंसान हो ही नहीं, तुम एक जानवर हो। जानवर, रुको, अब मैं बताती हूँ, सुनो। तुम्हारे बेटे से प्यार करने वाली मैं हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सीनू से प्यार करती थी और सीनू भी मुझसे प्यार करता था। हम दोनों का प्यार सच्चा था, मगर सीनू मर गया और मैं बच गई।
आप तो मेरी बात पर यकीन कीजिए मैडम, इस गांव के लोगों के दिलों में मैल बैठा हुआ है और कार में मिट्टी भरी है। आप तो इस गांव में नहीं है, कम से कम आप तो मेरा दुख समझिए मैडम। सुजाता, लच्छी कहाँ है? क्या वो सीनू से प्यार करती थी या फिर पैसों के लिए उसे मार कर भाग गई? वो देवी है, उस पर इल्जाम लगाए तो तुझे कीड़े पड़ेंगे। एक दूसरे से खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। मेरी जिंदगी में खुशी तो नहीं है, कम से कम मेरा दुख तो बांटने दीजिए। लच्छी और मैं बचपन से ही दोस्त थे। सुनिए जी, याद है ना, आज हमारी पोती का जन्मदिन है, आज क्या तोहफा दे रहे हैं उसे? अपने नॉवेल का नाम इसी के नाम पर रख रहा हूँ, मेरी तरफ से इसके लिए यही तोहफा है, इससे ज्यादा और क्या दे सकता हूँ मैं? क्यों बेटी, अपने माता पिता की फोटो के सामने हाथ जोड़ाना? मेरे माता पिता तो आप ही है, मेरे कितने भी जन्म हो हर जन्म में आप ही मेरे माता पिता बनेंगे। अरे अरे, दीर्घायुष्मान। देखा आपने, आपकी पोती बिल्कुल आप ही की तरह बात करती है। क्यों नहीं करेगी, आखिर इसके शरीर में हमारा ही तो खून है। बोल बेटी, क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए दादाजी, मुझे सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाइए, पेट भर खाकर मैं आपके गोद में सो जाऊंगी। बस इतना ही चाहिए क्या? ए, तुम जाकर खाना लेकर आओ। ठीक है, ये लीजिए। ये माँ बाप के नाम का निवाला और ये दादी की तरफ से और ये दादा का निवाला। कैसा बना है बेटी? बहुत अच्छा बना है दादी, मेरा तो पेट भर गया। बस तू ऐसे ही हंसती रहे, हमारी भी उम्र तुझे लग जाए 100 साल तक जी बेटी। लच्छी, लच्छी, लच्छी। क्या है? तुमसे कुछ बात करनी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। चलो बोलो। एक मिनट हो चुका है। एक मिनट का मतलब 1 मिनट नहीं होता, 1 घंटा होता है, क्योंकि तुम मेरी प्यारी लच्छी हो, मेरी प्यारी लच्छी। लच्छी, तुम मेरी प्यारी लच्छी बुच्छी हो ना? देखो, तुम मुझे ऐसे लच्छी बुच्छी बोलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे दादा दादी ने मेरा नाम लक्ष्मी रखा है और तुम हो कि मुझे लच्छी बुला रहे हो। अब तुम्हारी वजह से सारा गांव मुझे लच्छी लच्छी करके बुला रहा है, मेरे दादा दादी भी मुझे लच्छी बुलाते हैं। तुमने भी तो अपने कुत्ते का नाम विक्की रखा है, मैंने कभी कुछ बोला क्या? बात बराबर हो गई ना। मैंने अपने कुत्ते को तुम्हारा नाम दिया, इसीलिए उसने कुएं में जाके आत्महत्या कर ली। अब तुम क्यों मेरे पीछे कुत्ते जैसे पड़े हो? जाने अनजाने में मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ लच्छी, और तुमने मुझे रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। देखो, हम दोनों को मिलाने आए सीनू और सुजाता तो लवर्स बन गए हैं, और हम अभी तक ऐसे ही हैं। इस जन्म में मुझसे प्यार करोगी या नहीं? विकी, मुझे ये प्यार व्यार कुछ समझ नहीं आता, मेरे लिए तो मेरे दादा दादी ही सब कुछ है। वैसे मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना? हाँ अच्छे हो, तो फिर मुझसे प्यार करो ना। तुमने मुझे बचपन में बोला था, इसीलिए मैं ऐसा बन गया हूँ। देख, वो बचपन की बात थी, तब हम ना समझ थे, तब तुम आई लव यू बोलते थे, इसलिए मैं भी बोल देती थी। तो क्या हुआ, फिर से बोल दो। लच्छी, जब तक मेरे अंदर जान है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। हाँ, अबे जहाँ घुसा रहा है वहाँ घुसा ना, मेरे पीछे क्यों पड़ा? कुछ नहीं होगा भाई, बहुत ग्लैमरस दिख रहा है तू, मस्त शर्ट, मस्त पैंट, किसकी है? ये पंच का दामाद शहर से आया है ना, तो उसे धोने के लिए डाला था, मैंने पहन लिया। अच्छा, इसलिए तो मेरा दामाद नाराज होकर चला गया। इसलिए नहीं किया, वो तुमने उसकी पीली थी इसलिए भाग गया। क्या लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, इतनी रात को कहाँ घूम रही हो? सुजाता के घर गई थी। क्यों? अरे मुझे क्या, तुम्हारे दादा ढूंढ रहे हैं। जाओ 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 जाओ। मुझे पता है, गाँव की सभी लड़कियों को मुझे ही संभालना पड़ता है। क्या यार, तू बचपन से उसके पीछे पड़ा है और उसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है? अरे अपने पंच की तरह पढ़ाई लिखाई करो। जाओ 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 जाओ, आजकल के लड़कों को कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। हाँ यार। अच्छा ये बता, तूने बहुत पढ़ाई लिखाई किया ना, तो 1860 में क्या हुआ था ये बता। गांधी जी का जन्म हुआ था, और क्या। अरे वाह, 1863 में क्या हुआ था ये बता। गांधी जी 3 साल के हो गए थे। यही सारी पढ़ाई की। स्कूल से भाग के बायोस्कोप देखेगा तो यही बताएगा।
लच्छी मुझसे प्यार करेगी ना? वो तुझसे प्यार नहीं करती, फिर भी क्यों उसके पीछे पड़ा है? ये बात तो आप लोग अभी प्यार के मूड में है ना, तो इस समय आपको चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेंगी भला? प्यार करो प्यार करो। मैं आज उसको प्रपोज कर दूँ क्या? पहले उसे एग्जाम तो देने दो। कर देता हूँ चूड़ियाँ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, गाँव में इतने सारे प्यार करने वाले लोग हैं, अब पता नहीं गाँव का क्या होगा। अरे कुछ नहीं, अरे वो जो अपने माधव राजी की पोती है ना, और साथ में सीनू बाबू बहुत पैसे वाला है, इसीलिए उसे प्यार करती है ये। अच्छा, तो इसका मतलब कि जिनके पास पैसे होते हैं लड़कियां उन्हीं को प्यार करती हैं। कहाँ जा रही हो? जानकी आंटी के घर पर मेहंदी लेने जा रही हूँ पिताजी। बच्चों के जैसे इधर उधर घूमना बंद कर दो, जल्दी ही तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सब ठीक रहा तो इसी लड़के से तुम्हारी शादी होगी। यारे उसकी फोटो क्यों रे? नहीं नहीं, मारो इसे, मारो इसे, जा रहा मत। तुझे सच में बताती हूँ, तुझे मैं मार डालूंगी। पहले ये बता कि तू उसे मार क्यों रही है? अरे ये तुझसे प्यार करता है लेकिन तू नहीं प्यार करती, इसलिए मैं इसे मार रही हूँ। हम दोनों को मिलाते मिलाते हम दोनों के बीच प्यार हो गया। तुम लोगों का प्यार अभी तक बनवे है और हम लोगों का प्यार सक्सेस हुआ है। एक तो इसका बाप इसके लिए कई सारे रिश्ते देख रहा है। ऐसा है तो भाग जाओ। ऐसे भाग जाने की क्या जरूरत है, कहीं दूर चले जाओ। भाग जाना दूर चले जाना एक ही बात है। सच में मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। कैसे पता होगा, हम दोनों आज तक कभी भागे थोड़ी ना है। ए, बीच में अपनी स्टोरी क्यों घुसा रहा है? रुको रुको, ये सब तो होने वाला है यार। तुम दोनों एक काम करो, कल रात में ही भाग जाओ। बाप रे, कल तो अमावस्या है। ऐसा क्या, अमावस्या और पूर्णिमा देखोगी तो इसकी शादी कहीं और हो जाएगी। अरे ये बात छोड़ो, कल रात को हम दोनों भाग जाएंगे, ये बात फिक्स है, ठीक है? और हम दोनों कब भागेंगे? हट। ए, सच बता, तू विकी से प्यार करती है या नहीं? क्यों, तुझे पता नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो तू उसे परेशान क्यों कर रही है? दादा दादी के बारे में सोचकर अब तक पीछे हट रही थी, लेकिन उन्हें समझाने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द ही मैं विकी को अपने दिल की बात बता दूंगी। उसी दिन रात में मैं और सिनु भाग कर शादी करना चाहते थे, लेकिन तभी मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा और तभी लच्छी मुझे मिलने के लिए आई। मैंने उससे कहा कि सीनू मेरा इंतजार कर रहा होगा, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बताने के लिए मैंने लच्छी को वहाँ पर भेजा। अरे किसी ने सीनू को मारकर यहाँ फेंक दिया रे, फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया। गला काट दिया, बहुत बुरा हुआ। कल रात को ये सीनू और लच्छी को मैंने यहाँ पर देखा। कल रात से ही माधव राव जी की पोती भी नहीं दिख रही है, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। लच्छी सीनू का रोज पीछा करती थी, पता नहीं दोनों के बीच क्या चल रहा है। सही कह रहे हो, मैंने भी उन दोनों को दो तीन बार साथ में देखा है। लेकिन विक्की तो लच्छी से प्यार करता था, अब पता नहीं इसको किसने मारा है। इसके पीछे पड़ा है और लच्छी सीनू के पीछे पड़ी थी। उसके सूटकेस में पैसे थे, वो पैसे पाने के लिए उसने इसे गड्ढे में गिरा दिया होगा, इसने मना किया होगा इसीलिए उसने इसकी जान ले ली। बहुत गलत हुआ। कहाँ है तेरी पोती? लेकिन बात क्या है? ए, बता तेरी पोती कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है लक्ष्मण जी, हम लोग भी उसे कल आधी रात से ही यहाँ वहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। हा, 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 हा। पोती को कितनी अच्छी ट्रेनिंग देकर तूने गांव में छोड़ा है ना? हा? वो मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई थी, जब मेरे बेटे ने मना कर दिया तो उसने इसकी जान ले ली। मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारा परिवार ऐसा नहीं है। किसी को भी तकलीफ होने पर मेरी बच्ची उसकी मदद करने वाली है, और आप कह रहे हैं कि उसने किसी की जान ली है। ए, मेरे बेटे को छीन लिया तुम लोगों ने। अब और एक शब्द भी मत बोलना, हमारी बच्ची नहीं मिल रही, हम परेशान हैं, और उल्टा तो उस पर ही इल्जाम लगा रहा है। तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। जी, किसे चाहिए तुम्हारा पैसा? हा? हम लोग स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं, तेरी पूरी जायदाद हमारे घर के दीवार पर लगे हुए चूने के बराबर है। ए बुढ़िया, अगर इतनी इज्जत है तो अपनी पोती को छुपा कर क्यों रखा है तुम लोगों ने? उसे छुपा कर रखने की जरूरत हमें नहीं है, तेरे बेटे को मार कर भला हमारी बेटी को क्या मिलेगा? देखिए, आप माने या ना माने, हमारी पोती ने ये हत्या की है हम नहीं मानेंगे। जैसे हमारी पोती हमें प्यारी है, वैसे ही आपका बेटा भी है। ऐसी झूठी बातें करके हमें बहकाना चाहते हैं? लक्ष्मण जी, बता तेरी पोती कहाँ है, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। नहीं जीने देगा तो मार दे हमें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। ऐसे नहीं सुनने वाले हैं ये लोग। अरे क्या देख रहे हो तुम लोग, मारो इन्हें। क्या है ये सब, रुको तुम लोग। अरे तुम लोगों के पास इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? इन लोगों को मत रोकिए, इनके पत्थरों से ज्यादा
इन सब की बातों से हमारा कलेजा छलनी हो गया, हम तो कब का मर चुके हैं। ऐसा इल्जाम अपने सर पर लेने से कहीं अच्छा है कि हम मर जाएं। मारिए हमें, मारिए मारिए। माधवराव जी, क्या है ये सब, बताइए आपकी लच्छी कहाँ है? हम खुद ही उसे ढूंढ कर परेशान हैं। अगर हमें पता होता तो हम बताते नहीं क्या? मेरे बेटे और बहू के मरने के बाद हम दोनों के जीने का सहारा एक वही हमारी पोती ही तो है। लेकिन देखिए, हम पर आज इतना बड़ा इल्जाम लगेगा कभी सोचा नहीं था। तेरे बेटे और बहू के साथ साथ अगर तेरी पोती भी मर जाती तो कम से कम ये हालत नहीं होती बुड्ढे। इज्जत से बात करो इनसे। अरे क्या इज्जत से बात करूं मैं? लक्ष्मण रुको। अरे ऐसे लोगों को इज्जत नहीं देनी चाहिए। हा? अरे तो क्या जान से मार दोगे इन लोगों को? सारे गांव वालों से एक बात कहता हूँ, सुन लो। ये लोग गांव में रहेंगे तो लच्छी कभी भी यहाँ आ सकती है, इसलिए इन लोगों को गांव के बाहर नहीं जाने देना है, ठीक है? चलो अब। सीनू को किसने मारा, लच्छी का क्या हुआ, ये ना जानकर मैं पागल होती जा रही हूँ। मेरा प्यार सीनू नहीं रहा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त लच्छी नहीं रही। उनका क्या हुआ, वो लोग कहाँ हैं? ये मुझे मिला है ना? मुझे नहीं, मुझे मिला है। देना मुझे। रुको रुको, क्या हुआ? क्या हुआ? उठो। ये मुझे पहले क्या मिला है? दिखा मुझे। ये किसकी है सुजाता? मैडम ये लच्छी का है। ए, ये तुम लोगों को कहाँ मिला? उस पेड़ के पास मिला। चलो दिखा मुझे। सुजाता, सुजाता क्या हुआ? ये यहाँ मिला था दीदी? नहीं, यहाँ पर मिला था। ये यहाँ गिरा हुआ था। यहाँ पर मिला था। मारकर किसी ने दफना दिया है। इस गांव में जो भूत बन के घूम रहा है वो है लच्छी। मैं तो कब से यही बात कह रहा हूँ कि गांव की भूतनी लच्छी ही है। ये क्या, ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? अरे ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पेड़ के पास लच्छी का कंकाल मिला है। लच्छी का कंकाल मिला है? चलो चलो, हाँ चलते। नहीं यार, बिना उस लड़की की गलती के हमने उसके दादा को पत्थर से मारा। अब अगर हम लोग उसके कंकाल के पास जाएंगे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
मैं जब भी रोती थी तब आप ही मुझसे कहते थे ना कि रो मत, बच्ची जल्दी घर आ जाएगी। अब कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी हमारी बच्ची? अरे आ गई ना, अपनी बच्ची तो आ गई ना, देखो सामने देखो आ गई। कह दीजिए कि एक अंकल हमारी बच्ची का नहीं है। कैसे बोलो, ये सामने हड्डियाँ उसी की तो है, अगर हम कुछ और कहेंगे तो उसे दुख होगा। लच्ची को मरते वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी, मरने के बाद हम और तकलीफ नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। हमने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में हम ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। सोने की चेन मैंने उसके जन्मदिन पर दिया था, हरे रंग का पत्थर पहनने से कहती थी उसका नसीब अच्छा होगा, तभी मैंने उसे यह दिलवाया था। अब तो आप लोगों को शांति मिल गई ना, आपने मेरी बच्ची को चोर कहा, हत्यारिन कहा, बहुत अच्छा इनाम दिया आपने मेरी पोती को। हे लक्ष्मण जी, आपने कहा था ना आप उसे मार देंगे, मारिए ना। सिर्फ आप ही क्यों, पूरे गांव वाले उसे मारना चाहते थे, कोई भी इंसान दो बार नहीं मरता है, आप लोग मारिए। आप सबको तो जश्न मनाना चाहिए क्योंकि आप सबकी मन की मुराद पूरी हो गई। हाँ मनाइए, खुशियाँ मनाइए। सुभद्रा चलो यहाँ से आओ। तो लच्छी गांव में भूत बनकर घूम रही है। आज से इस गांव में अगर मेरी लच्छी का नाम किसी के भी मुंह से निकला तो उसकी जबान काट कर मैं देवी माँ को चढ़ा दूंगा, खबरदार। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मैडम, लच्छी का कंकाल बाहर आया, इन लोग की लव स्टोरी क्या है, सीनू को किसने मारा, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। उसे किसने मारा है ये जानना जरूरी है, और किसने मारा है ये जानना भी जरूरी है, तब जाकर हम इस गांव को बचा सकते हैं। क्या बात है, गांव के सारे हाँ। शेर यहीं जमा हैं। हाँ। थैंक्स यार, तुमने हमें शेर बोला। तू है तेरे ऊपर। अरे गांव के शेर का मतलब कुत्ता। अच्छा ये बता, तू आज इतना ज्यादा खुश क्यों नजर आ रहा है? या हैप्पी टुडे। ये क्या टुडे? क्योंकि आज मेरी पांचवी शादी है, माय फिफ्थ सेरेमनी। अबे करे, सेरेमनी का मतलब पता है? चाहे जो भी हो, आज मैं अपनी बीवी को स्वर्ग में ले जाने वाला हूँ भाई। ऑटो से या एम्बुलेंस से? ना ऑटो से और ना ही किसी एम्बुलेंस से। गांव की सिचुएशन ठीक नहीं है, इस समय में सेलिब्रेशन करना ठीक है क्या? बिना रिस्क के लाइफ में किक नहीं होती। इतना रिस्क अच्छा नहीं होता। इडियट्स, मैं अपनी मैरिज नाइट में चार्ज होकर जा रहा हूँ तो तुम लोग मुझे डिस्चार्ज करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? गांव की चौपाल पर बैठने वाले तुम चोर लोग, अगर मैं यहाँ रहा तो तुम लोग मेरी चड्डी भी उतार। ये खुद चोर है और हमें चोर कह रहा है। कुछ भाग कर गया। गांव के शेर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अबे तू नीचे चुप होगा ना तेरा मुंह सिल जाएगा। अरे मुझे चलने के लायक भी नहीं छोड़ा। ये क्या पंडित जी, एक तो वो है जो स्वर्ग देखने गया और एक तू है जो नर्क से आ रहा लगता है। तेरी बीवी ने तेरे ऊपर श्लोक पढ़ा क्या? हाय चिमी, आ गया। ये सब क्या है? ये मेरा घर है, फूल का मार्केट या फिर कोई सिनेमा का सेट? आपको पसंद आया? बहुत पसंद आया, तो फिर दूध का ग्लास और एप्पल जूस कहाँ है? ये पुराने फिल्म जैसे दूध और एप्पल जूस की क्या जरूरत है जी, ये खम्बा पी लीजिए। अच्छा। कमीने का दारू पीने से पहले मूड ही नहीं बनता। आए हाय मेरी फुलझड़ी, तुम्हारी तैयारी देखकर मुझे शर्म आ रही है। अब इसमें शर्माने की क्या जरूरत है? बस रुक जाओ, एक घूट और अंदर जाएगी तो शर्म मर्यादा सब निकल जाएगी। तू मेरे कपड़े क्यों उतार रही है? लेट हो रहा है इसलिए जी। सब कुछ तू ही करेगी या मुझे भी करने देगी? मुझे पी लेने दे पहले। स्पीड बढ़ाई है ना। हाँ।
अरे गांव के शेर लोग बिना कपड़ों के मेरी औरत को देखने से अच्छा कि लोग मुझे ही देख रहे हैं। ये क्या है भाई? आयरन बॉडी कहा था, सिक्स पैक कहा था, ये कौन सा अवतार है भाई? हमसे देखा नहीं जा रहा, ये ओढ़ लो। थैंक्स यार। अरे ये दे दिया, अब तो इसे सरपंच जैसा फील होगा। एक हफ्ते तक अपना चंडी नहीं धोने देता तो हमें कैसा फील होता? चलो 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 चलो। उधर भी बस सेम टू सेम है, थोड़ा डिजाइन चेंज है बस, इसलिए यही रुको है। वो लड़की अंदर इतना चिल्ला रही है तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अरे 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 कहाँ जा रहे? शी इज माय प्रॉपर्टी, शी इज बिलोंग टू मी। तुम लोग नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, बोला ना मैंने। जिम्मी भाभी भगवान। इतने सारे लोगों को भूत चढ़ा। बेटी ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, एक भूत इतने लोगों पर कैसे चढ़ सकती है? उसकी आत्मा की शक्ति और 100 लोगों को अपने वश में कर सकती है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है लगता है। जिसने भी उसे मारा है, अमावस्या तक अगर उसे नहीं पकड़ पाई तो सारे गाँव वालों को मार दूंगी, ऐसी धमकी दी है उसने। क्यों नहीं धमकी देगी? जिस किसी ने भी लक्ष्मी को मारा है उसे सामने आकर गुनाह कबूल करना चाहिए। लक्ष्मी तो बहुत अच्छी लड़की थी, भला वो हमें क्यों मारना चाहेगी? सरपंच जी, तो फिर किसने मारा है ये पता करो, कम से कम बाकी लोगों की जान तो बचा सकते हैं। उसे जिस इंसान ने भी मारा है उसे पकड़ना उतना आसान नहीं है। चलो बहुत सो लिया, अब अपने अपने घर जाओ। क्या हुआ, इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो? सामान का वजन बहुत ज्यादा है जी। एक दूंगा ना तो मैं उठाऊं क्या? शादी के दिन ही अपना गधा मर गया था, इसलिए अब सारा बोझ जो है वो तुम्हें उठाना पड़ेगा। अब चलो जल्दी जल्दी। भाई साहब। हाँ क्या है? आधी रात को भाभी को लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या है कि मेरी साली की शादी है, अगर मैं जाकर मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा तो उसकी शादी रुक जाएगी, ऐसा मेरे ससुर ने कहा। ये सब झूठ है, तू डर कर गाँव छोड़कर भाग रहा है। सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहा है तू? हर घड़ी मुसीबत सर पर चढ़ी आ रही है, तो हम गाँव में कैसे जी सकते हैं? कौन है मेरा इस गाँव में? क्या बात कर रहे हो? अरे हम सब किस लिए हो? मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर जोक बनाकर पूरे गांव को बताने के लिए? ये गांव अपनी माँ के जैसा सुबह। मेरी माँ मेरे गांव में है, इस माँ को तुम लोग संभाल लो मेरे भाई। देखो भाई आप यहाँ से ऐसे मत जाओ। नहीं तो क्या, यहाँ पर मरकर मैं भी एक आत्मा बनकर भटकता रहूँ? एक बार और सोच लो भाई। अब सोचने का कुछ भी नहीं बचा। फैसला कर लिया है क्या? हे पंडित, तेरे जिंदा रहते मैं तेरी श्राद्ध करवाऊंगा, यही सही रहेगा। जब तक अनुभव ना हो कई बातें समझ में नहीं आती। दो दिन पहले तुम्हारी बीवी ने भी यही कहा था। कितना अन्याय कर रहे हो हमारे ऊपर। मैंने क्या किया? एक फोटो भी नहीं रखी, सब लेकर जा रहे हो अपने साथ। फोटो चाहिए तुम्हें? मैं 100 पोज देकर फोटो खिंचवा लूंगा और पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? अरे उस औरत के सर पर इतना वजन क्यों रख दिया तुमने? ये पतिव्रता औरत है, मुझे भी उठाना चाहती थी, मैंने ही मना कर दिया, अब मैं खुद अपने पैरों से चल रहा हूँ। चल तू आगे। ये अंगोछा तो मेरा है। कपड़ा मेरा है। तू देवानंद लगता है जो कपड़ा तेरा है।
जी ही नहीं भाजी नहीं, चुपचाप चल। बहुत ठंड लग रही है जी। क्यों जी, इस समय हम अपने घर में हैं जो कि चादर ओढ़ कर बैठ जाएंगे, जो भी करना है गांव के बाहर करेंगे। चलो अब। क्या हुआ जी, सब कुछ फेंक कर आराम से बैठ गई हो? टांग तोड़ दूंगा तेरी, चलो जल्दी। ये क्या हो गया तुझे? ऐसे कहाँ भाग रहा है रे? गाँव गाँव में मेरे हथियारे का पता लगाने से पहले गाँव से भाग जाएगा तू? मुझे नहीं पता था तू ऐसा चेक पोस्ट बना डालेगी, मुझे माफ कर दो माँ। कहाँ भाग रहा है रे? मेरे हथियारे का पता लगाने से पहले भाग जाना चाहता है तू? भागेगा भागेगा। अब क्या ढूंढ रहा है तू? लगता है किडनी नीचे गिर गई है, वही ढूंढ रहा हूँ। ये सामान कौन उठाएगा तेरा बाप? मैं ही उठाऊंगा। देखते हैं आज किसके घर में होता है घोस्ट फेस्टिवल है। अरे भाई साहब, अरे सुबह क्या हुआ आपको? तुम तो वापस आ गए। साली की शादी अच्छे से हो गई क्या? तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से हुई ना? अरे ये देख रहा है, ये तेरे चेहरे पर दाग दूंगा मैं, चेहरा इस तरीका हो जाएगा। मौत के कुएं से बच कर आ रहा हूँ और तुझे बचा के सूझ रहा है। भाई आखिर हुआ क्या? गांव के बाहर पहुंचने से पहले ही मेरी बीवी के अंदर भूत ने मेरे ऊपर चढ़कर कहा कि गांव से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो बरगद के पेड़ से लटका दूंगा, ऐसा बोला। उसने तुमसे भी यही कहा? तो तुमसे भी यही कहा था क्या? सिर्फ कहा नहीं, हमें रस्सी से बांधकर फांसी पे चढ़ा दिया था। अबे चुप रह, इतना खुलकर बताएगा तो इसकी धड़कन रुक जाएगी। मुझे कुएं में धक्का दिया तो मैंने किसी को बताया क्या? बाप रे, मतलब तुम सबके साथ पहले ये सब हो चुका है? सेम टू सेम, सीन तो यही है लेकिन मर्डर सीन्स अलग अलग। इतने दिनों तक मुझसे छुपा कर क्यों रखा? हम सब ने उससे मार खाई, तुम नहीं खाते तो हमें अच्छा नहीं लगता। तू क्या, हम लोग तो तुझे बता ही रहे थे। तुमने सुना क्या, तुम्हारा आखिरी दिन है, फोटो छोड़कर जाओ, ये बोला था ना तुम्हें? इन बातों का इतना मतलब होता है? ये कैसी बात है यार, एक छोटे गांव को तो हीरो लोग अडॉप्ट करते हैं लेकिन इस गांव को लगता है भूतों ने अडॉप्ट कर लिया। सुनिए जी। अरे बाप रे, बचाओ पंडित जी। आप लौट कर वापस क्यों आ गए जी? चलिए ना गांव छोड़कर चलते हैं। ये गांव छोड़कर हम कहां जाएंगे? भूत तो वहां गांव के बाहर चेक पोस्ट पे बैठा है, उसके हिसाब से इनकमिंग अलाउड है, आउटगोइंग अलाउड नहीं है। इसे क्या हुआ? अब तो भूत इस पर चढ़ गया है। जैसे जंगल में कोई जंगली सुगर सोया हुआ हो, पता नहीं कब इसके ऊपर भूत चढ़ जाए और ये मेरा खून पीना शुरू कर दे, फिर कौन सा पत्थर लेकर मेरा सिर फोड़ देगी पता नहीं भगवान। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आइडिया, मेरी इच्छा पूरी करो ईश्वर। अरे श्री देवी, श्रुति हसन, रंजीता, अनुष्का, ज्योतिका, राधा, सब के सब यही है। इतनी सारी हीरोइन एक साथ हमारे गांव आई हुई है। अंदर से ये ऐसी आवाज क्यों आ रही है? इसका मतलब अंदर दो तीन हीरोइन सब एक साथ ही बैठी हुई है। देखता हूँ। इंसान हो? इंसान हो? हाँ।
ये बताइए आप किस गांव से आए हैं? रहता तो मुंबई में हूँ, चेन्नई जाते समय रास्ते में इस गांव में रुक गया था। और अब इस गांव से निकल नहीं पा रहे हो, यही ना? तुम्हें कैसे पता? इस गांव का जो भूत है उसने पहले तुम्हें बहुत मारा है, फिर यहाँ अंदर बंद कर दिया है, सही ना? सही है। उसने मुझे मारा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गुरु जी को भी मारा। गुरु जी, वो कौन है? द ग्रेट इंटरनेशनल मेकअप मैन। मेकअप मैन? अभी वो कहाँ है? गुरु जी, मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन वो भूत नहीं है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। इंसान है? अरे ये कैसा गांव है? गांव के बाहर भूत को सिक्योरिटी बनाकर रखे हो? सिक्योरिटी नहीं सर जी, चेक पोस्ट है। हमारे गांव के लोगों पर वो भूत बहुत गुस्से में है, इसलिए वो सबको परेशान करता है। तुम्हारे गाँव वाले पे गुस्सा तो गाँव वालों को ही मारना चाहिए ना। अरे हम तो इस गाँव के नहीं, तो हमें क्यों मारा बोलो? हम तो इस गाँव के चीफ गेस्ट है ना सर, अगर हम सबको मारने के बाद उसने आपको नहीं मारा ना, तो आप सबकी बदनामी हो जाएगी। तुम क्या कह रहे हो? और थोड़ी देर रुकते तो हमारी आखिरी रात होती। हमारे गांव की तरफ आने का आपका दिल कैसे किया सर? हमारा नसीब खराब था। हमारे गुरुजी को रोज एक नया फिगर चाहिए, नहीं मिलने पर शुगर लेवल बढ़ जाता है और रात को इन्हें नींद नहीं आती है ना गुरुजी? भूत की भी बहुत अच्छी फिगर है, उसके पास जाना चाहिए था। पर उसने हमें मौका कहाँ दिया, गाँव के रास्ते में ही मिल गयी और इतना मारा की हमारा। अच्छा तो राम जी ने आप लोगों को हमारे पास भेजा है। सर आप लोगों का हमारे गांव में आना हमारी खुशनसीबी है, आप लोग शुभ हैं, पनौती हैं। अब आप इस गांव में आ गए हैं तो मेरा मेकअप कर दीजिए ना सर। ये कैसी बातें कर रहा है? मेरे गुरुजी को समझा क्या है? नारद से लेकर रावण और यमराज तक का मेकअप किया है इन्होंने, ये किसी अरे घरे का मेकअप नहीं करते। बॉलीवुड के भी कई आर्टिस्ट इनकी जो फीस है उसे पे ही नहीं कर पाते। क्या कहा? हाँ तो ऐसा बोलिए ना। सर 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 सर, मैं तो उतना नहीं दे सकता हूँ, जितनी मेरी ताकत है ना उतना तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। जी जरा मेरी बात सुनिए, कल रात भूत की पिटाई से हमारे सारे पैसे कहीं गुम हो गए हैं, इसका मेकअप कर दीजिए जिससे कुछ पैसे मिल जाएंगे खर्च के लिए, कैसा आइडिया है? अच्छा आइडिया है, करेंगे। सर अगर इस फेस पे राम जी का मेकअप करेंगे तो अच्छा लगेगा ना सर? तेरा चेहरा बिल्कुल रावण जैसा है, अगर राम का मेकअप किया तो हनुमान जी अपना गदा उठाकर हमें मार डालेंगे, ऐसा हमारे गुरुजी का मानना है। सर सर सर, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, सबसे पहले राम स्वामी के सामने नारियल फोड़ेंगे, आप अपना काम शुरू कीजिए सर। ओके, जय श्री राम। पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयम्। क्या भाई ये सब क्या है, गेटअप बदल कर घूम रहे हो, वो भी कृष्ण के गेटअप में? अबे चुप कर तू, ये श्री कृष्ण का रूप नहीं है, राम का रूप है। कैसा लगा बड़के भैया, अरुण गोविल की याद आ रही है ना? अबे हट, हजारों जन्म लेगा तब भी अरुण गोविल नहीं बन सकता तू। ओए पंच, तू तारीफ कर रही है, बेइज्जती। अरे उसकी बात रहने दो, तुम ये बताओ कि तुमने अपना ये रूप क्यों बना लिया है? वो इसलिए क्योंकि मेरी बीवी पतिव्रता है ना। वो कब से हो गई? बैंड बजा दूंगा मैं तेरी, शादी से पहले से ही है, वो मुझे राम के रूप में देखना चाहती थी। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। बहुत अच्छे दिख रहे हैं जी आप, इस गेटअप में किसी हीरो जैसे दिख रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। इतनी जल्दी गाँव में फैल भी गया? एक मिनट रुकी, हाँ मैं आपकी नजर उतारती हूँ, पता नहीं कितनों की लगी होगी। हाँ भाभी जी उतारिए उतारिए, वरना बच्चे डर जाएंगे। इसकी ही नजर लगी होगी तुम्हें। नारियल फोड़िए। अरे बाप रे, नीचे नीचे। अरे वो कपूर बुझा देना, बाद में काम आएगा। आशीर्वाद आशीर्वाद। दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जिसको सब लोग चाहते हैं, दुनिया में सिर्फ मैं। आज सुबह से दिखे नहीं, ये डब्बा लेकर कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है ना, मुंबई से मेरे रिलेटिव लोग आए हुए हैं ना, तो एयरपोर्ट में उनको खाना खिला कर आ रहा हूँ। तेरा मुंबई में कौन रहता है बे? तुम सर्वज्ञानी हो क्या पंच जी? क्यों सबके चेहरे पर तुम्हें उसका कैरेक्टर नजर आ जाता है क्या? लगता है दशहरा का प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ है घर पे। अभी अपने घर जा, नवरात्रि के 9 गेटअप में से एक में तेरी बीवी वेट कर रही है। I don't care. फिलहाल मैं राम हूँ, गुस्सा आया तो बलराम हूँ और ज्यादा हुआ तो परशुराम। तेरी बीवी को गुस्सा आ गया ना तो तू सर्कस का जोकर बन जाएगा। अबे जा, तू मुझे श्राप दे रहा है क्या? तेरा श्राप और बीवी का गुस्सा इस राम के सामने।
मैं मुंह से तो बोलना चाहिए था। दूसरी भाषा है। अचानक आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? समुद्र में सुनामी आए तो सबको दिखना चाहिए ना। हिम्मत मेरे खून में है और साहस मेरे पसीने में है, इसीलिए इतनी बदली आ रही है। मत करो, बात यह है कि तुम लोग घर में बीवी से लात खा कर आए हो यहाँ पर, इसीलिए तुम लोग मुझ पर यहाँ पर कमेंट कर रहे हो। स्टूपिड नॉनसेंस, बकवास कॉमेडियंस ऑफ बकवास ग्रुप, गेट लॉस्ट। तो मुझे ऐसे क्या देख रहा है? तो फिर क्या करूं? धक्का कौन मारेगा? अरे अचानक इसे हो क्या गया? किसी पागल कुत्ते ने काट लिया क्या? वही तो, हमें भी जानना चाहिए। आप लोगों के लिए देसी मुर्गी लाया हूँ, बहुत स्वादिष्ट है, खाइए। सर, आप लोग रोज मुझे राम का ये गेटअप पहना देते हैं, क्या ऐसा लगता है आपको? सर, लोगों को परेशानी होती है तो वो राम को बुलाते हैं, राम को परेशानी होगी तो वो किसको बुलाएंगे भाई? ये आपने सही कहा। जब से मेरी बीवी ने मुझे इस गेटअप में देखा है, उसने मुझे मारना छोड़ दिया है और उस पर अब तो भूत भी नहीं चढ़ रहा है। अरे बाप रे, कल लीवर फ्राई, उसके बाद किडनी फ्राई, स्पेशल बनवा रहा हूँ सर आप लोगों के लिए। लगता है इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। इन तीनों को ही पता है ना? हाँ, मुझे पता चल गया, मतलब गांव को पता चल गया। वो बंद कर मैं। भाई, भगवान के गेटअप में हम लोग भी बच जाएंगे ना? सही कह रहे हो। जय जय श्री राम। अब रखना पर्सनालिटी देखना। जब से शिवा सिनेमा रिलीज हुई है, लोग मुझे देखकर नागार्जुन बोलते हैं, समझ गया कि नहीं? इसीलिए मुझे मन्मत का गेटअप दे। 180 रुपए लगेंगे। नागार्जुन के लिए इतना ही? नागार्जुन जी, हमें माफ कर दीजिए, आप तो करोड़पति हैं, लेकिन हम नहीं, हम चिल्लर पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं। गुरुजी, आप काम चालू करो। इसकी मचमच में सुबह हो जाएगी, मैं जाकर सोता हूँ। एक सर से मैं परेशान हो रही हूँ, अब इन्होंने 10-10 सर पहन रखे हैं। हाय रे मेरी किस्मत। रावण वो भी बाइक से जा रहा है। चूड़िया वाला चूड़ी ले लो। नारायण नारायण। ये क्या, हमारे गांव में इतने सारे भगवान कहाँ से आ गए? बच्चा तेरा सारा भूत भाग जाएगा, सारा भूत भाग जाएगा। अरे सुई, तू? हाँ। वो पंडित किस गेटअप में घूम रहा है? हनुमान के। हनुमान? इन लोगों को क्या हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा इस गांव का अब क्या होने वाला है। ठीक है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। तुम्हारी बीवियों पर भूत सवार है, तुम पर भगवान सवार है क्या? डोंट साउंड। तू गर्व के साथ उस लड़की को यहाँ भूत भगाने के लिए लेकर आया है ना? लेकिन उसने कुछ किया नहीं। भाई साहब ने बहुत मुश्किल से ये गेटअप डलवा कर हम लोग को बचाया है। यू आर ग्रेट भाई। सही कहा, ये भूत और भगवान की फाइट है, क्लाइमेक्स में भगवान की ही जीत होगी। सही कह रहे हो, ये क्लाइमेक्स ही है, सबका टाइम आ गया है ना। चुपचाप तुम और वो लड़की इस गांव से निकल जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। भाई धनुष ठीक से पकड़ो वरना पोल खुल जाएगी। मेरी छोड़ो, इसे देखो, ऐसा दिख रहा जैसे कोई जानवर बैठा है। सही बोला। पोस्टर ऑफ द डे। देखो भाई, लोग चाहे कुछ भी कहें, हमारे गांव को भूत से बचाने के लिए आपका बहुत थैंक्स। बस थैंक्स ही क्या? गाना बजाना नहीं है? गाना क्या? बजाना? हमारे खेत में सारा सेटअप अरेंज कर दिया है। आप सारा का इंतजाम मैं कर देता हूँ। सही में? वहाँ देखो, आप सारा आ रही है। पति नहीं हूँ, मुझे इस गेटअप में तो पहचान नहीं पा रही है। कहाँ है वो? हनुमान के गेटअप में है, पता नहीं किस पेड़ पे चढ़ा हुआ है, जाकर ढूंढो उसे। जाओ सुई दादा कहाँ है?
मनमत का भेष है। ये कौन सा भेष है? वो क्या ना, तुम बहुत सुंदर हो इसलिए इन लोगों ने मुझे मनमत का गेटअप दिलवा दिया। हमने इसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन ये नागार्जुन के पीछे पड़ गया और हमें पैसे देकर मेकअप करवा लिया है ना गुरुजी, बताइए नहीं से। चुप कर, हमने अपना काम किया है, तुम अपना काम करो। जब तक पूरा विलेज मेकअप नहीं होता तुम पैकअप मत करना, प्रोसीड। घर चले क्या? चलो। देखो मुझे कुछ मत करना, आप चाहें तो मैं आपका हीरोइन की तरह मेकअप कर दूंगा। गुरुजी, इसे आप हीरोइन बनाना चाहते हैं? ये हमारी जान ले लेगी। हमारी जान ले चलेगा लेकिन ये हीरोइन नहीं बन सकती। ए चारी, देखा आपने, समझ गई उसमें हीरोइन कंटेंट नहीं है। गुरुजी ये तो अपने आप को चंद्रमुखी की हीरोइन समझ रही है। जय जय माँ, जय जय माँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू चुप कर, चुप कर। अरे बाप रे, मैं तो बच गया। गुरुजी उधर देखिए, राम की क्या हालत है। मुझे मत मारना, मैं भी भगवान हूँ। कौन सा भगवान है बे? तू दिल से जिस भगवान को भी याद करेगी उसी भगवान के रूप में दिखूंगा। मुझे तो कोई भगवान नहीं दिख रहा। एक काम करो, नारियल फोड़कर मेरे पैर पड़ो तब दिखूंगा। नारियल नहीं बे, तेरा सर पड़ूंगा। अरे ये क्या, एक अकेली औरत सारे मर्दों को पीट रही है। गुरुजी असली बात क्या है मैं बताता हूँ, उसका पति नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए वो अपना गुस्सा सबको धोकर निकाल रही है। दो दे। आज रावण की कहानी खत्म। अरे ये तो रावण को घसीट रही है, बड़ी खतरनाक औरत। चल चल मैं छोड़ूंगी तुझे। हाथ मारो रावण का। अरे मुझे पीट डालेगी। आप हो भगवान का गेटअप लेने के बाद भी भूत हमें नहीं छोड़ रहा। छोड़ेगा बे? और क्यों छोड़ेगा, भगवान का गेटअप डाला है लेकिन है तो हम लोग इंसान ही, हमारे मन में पवित्रता नहीं है इसीलिए भगवान को गुस्सा आ गया और वो बारिश करवा रहे हैं। हम लोगों ने भगवान का गलत इस्तेमाल किया है इसलिए उस भूत को भी गुस्सा आ गया है और वो हमें मार मार कर हमारा इस्त्री कर रहा है। अरे भाई। एक बात मैं समझ क्या गया। समझ गया? कांटे को कांटे से ही निकालना होगा। कांटा कब चुप गया तुझे? अरे चुहा नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई चिल्ला के रहे हैं। अपने हनुमान पंडित जी है। वो भी लात खा रहे हैं क्या? सही है। भूत इधर ही आ रहे हैं क्या? देख मुझे एक डाउट है, ये भूतनी सब लोगों को मार रही है पर हम दोनों को क्यों छोड़ दिया? इस गांव में भूत की देशभक्ति ज्यादा है गुरुजी, सबने भगवान का गेटअप डाला है इसलिए अच्छी तरह से धुलाई हुई है, लेकिन हमारे गेटअप तो देशभक्ति वाले हैं ना, इसीलिए बच गए गुरुजी। तो फिर हम दोनों इसी गेटअप में भाग चलते हैं। इस गेटअप में सिर्फ यहाँ से भागेंगे ही नहीं, हम लोग जिंदगी भर हमेशा इसी गेटअप में रहेंगे, देशभक्ति के गेटअप को कभी नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद। पैसों के लिए और कितने बुरे काम करने पड़ेंगे पता नहीं। क्या करें यार, करना पड़ता है ना, ऐसा काम करेंगे तभी तो ज्यादा पैसा मिलेगा ना भाई। अबे पागल हो गए हो क्या तुम लोग, आगे पीछे कौन आ रहा है जरा देखा तो करो। वो दो आदमी थे, कुछ पैसे के बारे में गलत काम की बात कर रहे थे। जब मैं पीछा करते हुए यहाँ पर आया तभी किसी आदमी ने मेरे सर पर बड़ी जोर से मारा। आखिर ये सब है क्या? अभी तो लच्छी की कहानी का बस एक ही हिस्सा पता चला है। अरे कोई बचाओ मुझे! अरे बाप रे रुक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे मारना नहीं है, बचाओ मुझे। मुझे मारने वाले तुम में से ही एक हो। तुम्हारे साथ और कौन कौन था, सच बोलो। बोल, लच्छी को तूने ही मारा है ना? बोल तूने क्यों मारा लच्छी को? बोल, लच्छी को मैंने नहीं मारा है भैया, चाहो तो मंदिर के दिए मैं हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने उसको नहीं मारा है भैया। ये सब क्या है बेटी, क्या सच में इसके अंदर लच्छी आ गई है? इतना होने के बाद ये झूठ है, ये कैसे मान ले? किसी भी भूत ने अब तक जान लेने की कोशिश नहीं की है पर आज तो इसकी जान पर बनाई थी। अब आप लोगों को बहुत सावधान रहना होगा, लच्छी किस समय किसकी जान लेगी ये पता नहीं है, हमें इसे किसी सेफ जगह पर रखना होगा ताकि ये बिल्कुल सुरक्षित रहे।
उतारो इसे, उतारो। क्या हो रहा है इस गांव में? लच्छी ने एक की जान ले ही ली। नहीं, ये लच्छी ने नहीं किया, ये और किसी का ही काम है। आपके कहने का मतलब ये है कि इसकी रखवाली करने के बाद भी कोई इसे लाकर मार दिया है क्या? वही हुआ है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी उसने इसकी जान ले ली, तो सोचो वो हत्यारा कितना खतरनाक होगा। क्या बोल रही हो मैडम जी, सामने लाश पड़ी हो और तुम कह रही हो कि लच्छी ने नहीं मारा। सरपंच जी, इस लड़की के भरोसे मत रहिए कि हम सबको बचा लेगी। अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया ना, तो यहाँ लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपने स्वामी जी नेपाल से वापस अपने आश्रम में आ गए हैं, हम सब उनके पास चलते हैं, वही हमें बचा सकते हैं। कैसे हो तुम सब? बस आपके आने तक हम जिंदा हैं, यही कह सकते हैं बस। आइए आइए स्वामी जी, आइए आइए। यह लड़की कौन है? देवी नाम है, हैदराबाद से आई है। ओहो, यही है क्या? तुम्हारी तो सारी कोशिशें बेकार हो गई ना? ना कामयाब होने वाली कोशिश मैं कभी नहीं करती। यही तो हुआ है, कितनी भी किताबें पढ़ लो या कोई भी डिग्री हासिल कर लो, अनुभव तो प्राप्त हो सकता है लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। सामने वाले इंसान के पास ज्ञान नहीं है, ये सोचना ही अज्ञान है। देखो देवी, तुम दिखने में सुंदर हो, सुंदरी की स्पर्धा में जाना छोड़कर ये भूतों के चक्कर में क्यों पड़ी हो? मुझे क्या करना है इसका फैसला भगवान करेंगे। पर वो भगवान भूतों से डर कर मंदिर से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। अगर भगवान भी भूतों से डरते तो शमशान में लाशों के बीच शिवजी ध्यान क्यों करते? ये तो उनका तत्व है। मेरा भी तत्व यही है। अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो तुमने अभी तक लच्छी के भूत को पकड़ा क्यों नहीं? सब लच्छी के जैसे नहीं होते, उसकी इच्छा शक्ति बहुत तीव्र है, उसे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। उसकी शक्ति को मैं समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है, उसके पास जो शक्ति है वो आकाश जितनी विशाल है, उसकी इस शक्ति को भूमंडल की कोई भी चीज नहीं रोक पाएगी। उसने जो सोचा है वो करके ही रहेगी। माफ कीजिएगा, अगर यही बात लच्छी आपके सामने आकर कहे तो? मेरी शक्तियों का सामना करना लच्छी के भूत के वश का नहीं। जो आँखों से दिखता है हमेशा सच नहीं होता, सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। अपने साथ इतनी राख लाए हो, इतनी रुद्राक्ष की मालाएं पहनी है, फिर भी तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है। लच्छी को गांव वालों के सामने नहीं, पहले तुम्हारे सामने लाऊंगी, तब तक के लिए सब्र रखिए स्वामी जी। एक काला दूसरा सफेद, एक बार और दिखाओ। ये क्या हो रहा है? ये चौकड़ी सब उल्टी क्यों पड़ रही है? उस लड़की ने जो कहा है क्या वो सच होगा? स्वामी, उस आत्मा को हम नहीं पकड़ पाएंगे क्या? मैं जंगल में घूमा हूँ, पहाड़ में घूमा हूँ, खाई भी देखी है, गुफा भी देखी है, हवन पूजन किए हैं, कैसे भी भूत हो मुझे देखकर थर थर कांपते हैं, लेकिन आज मुझसे एक निहायत ही छोटी सी आत्मा मुझसे सवाल कर रही है। लगता है बहुत ही शक्तिशाली है वो, अगर उसे पकड़कर बंदी बनाना है तो हमें बहुत ही भव्य तरीके से पूजा का आयोजन करना होगा। बोलिए स्वामी जी। जैसे कोई त्योहार मनाए जाते हो वैसी ही तैयारी होनी चाहिए। हर घर के सामने, हर दरवाजे के सामने रंगोली बनाने पड़ेंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली ताबीज है। नवजात बच्चों से लेकर मरने की अवस्था में होने वाले बूढ़ों तक सभी के हाथों में ये ताबीज बांधनी होगी। जो भी इन ताबीजों को अपने हाथों में बांधेगा उसके शरीर में वो भूत प्रवेश नहीं कर पाएगा। बस सिर्फ एक ही समस्या है, पूजन हेतु एक बुद्धिमान और हिम्मत रखने वाली कुंवारी लड़की चाहिए। क्यों स्वामी जी? उस लड़की के शरीर में हमें लच्छी का आवाहन करना है, उसके बाद उसकी आत्मा का दहन करके उसे हम जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन एक विशेष बात, हो सकता है कि इस पूजन के दौरान उस लड़की की जान भी चली जाए। स्वामी, विवशता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। आगे आने की हिम्मत कौन लड़की करेगी स्वामी जी? ढूंढ कर देखो,
पूरे गांव वालों की जान की बात है। मुझे भरोसा है कोई ना कोई नेक फरिश्ता जरूर मिलेगा। स्वामी जी ने कहा है किसी कुंवारी लड़की को पूजा में बैठना होगा। सरपंच जी, ऐसी पूजा में बैठकर अपनी जान देने के लिए कौन तैयार होगी? किसके माँ बाप ऐसे छोड़ेंगे पंडित जी? कौन लड़की तैयार होगी बड़े पापा? किसी से भी पूछ रहा हूँ, सब वही जवाब दे रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहा है। कैसे इस गांव को बचाएंगे हम? आप डरिए मत सरपंच जी, इस शूद्र पूजा में मैं खुद बैठूंगी। आप ये क्या कह रही है मैडम? मैंने आपको यहाँ बुलाया है, आपको कुछ हुआ तो सबको जवाब देना होगा। प्लीज मैडम, इस मैटर में मत पड़िए, प्लीज आप जाइए यहाँ से। यहाँ किसी की जान पर बनाई है और तुम चाहते हो कि मैं भाग जाऊँ? आप हमारी मेहमान बनकर आई थी, हमारे लिए अपनी जान को खतरे में मत डालिए मैडम। अगर ऐसी ही बात है तो मेरी जान तो कब की चली गई? क्या कह रही हो बेटी? हाँ सरपंच जी, एक्चुअली मैं जिस तरह का काम करती हूँ उसमें तो कदम कदम पर खतरा होता है। जिंदगी में कब क्या हो जाए पता नहीं। कई लोग जीते हैं मगर लाश की तरह जीते हैं, और कई लोग मरकर भी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और वैसे ही जिंदगी मैं भी चाहती हूँ। इस शुद्र पूजा में मैं ही बैठूंगी। सभी सदस्यों ने ताबीज को बांध लिया है ना? हाँ बांध लिया है स्वामी जी। अरे दादा जी इधर आइए, इनको भी ताबीज बांध दीजिए स्वामी जी। हाथ दिखाओ अपना। पर मुझे ताबीज की क्या जरूरत स्वामी जी? लच्छी का भूत कोई साधारण भूत नहीं है, उससे तुम्हें बचाने के लिए। अरे उस लच्छी का भूत हम जैसे लोगों को नहीं सताएगा, उसकी जिसने भी हत्या की है उसे नहीं छोड़ेगी वो। ऐसे एक नहीं सैकड़ों ताबीज बांधोगे तो भी वो लच्छी के भूत से नहीं बच पाएगा। वो इस दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए उसे मरना ही होगा, मरना होगा, मरना होगा उसे। कैसे हैं आप? क्यों आई हो तुम यहाँ? हम इस गांव में किसी से भी अपना संबंध नहीं रखना चाहते। आज आपकी पोती का जन्मदिन है ना, इसलिए आप लोगों के लिए मिठाई ले आई हूँ। आज हमारी पोती का जन्मदिन है ये तुम्हें कैसे पता बेटी? मुझे क्या, पूरे गांव को पता है। लच्छी की तरफ से स्वीट्स आज मैं लेकर आई हूँ, क्यों गलत किया? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने ही ऐसा कहकर तुम्हें दुख पहुँचाया। ओके, मैं आप लोगों के लिए स्वीट्स लेकर आई हूँ तो आप मुझे आम का अचार और चावल खिलाएंगे। ये सब तुम्हें भी पसंद है क्या? बहुत पसंद है, और अगर आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे तो मुझे और भी अच्छा, अच्छा? लगेगा। कैसा लग रहा है बेटी? बहुत अच्छा है दादाजी। मेरी एक सहायता करोगी? बोलिए ना। सारा गांव कह रहा है कि लच्छी भूत बन गई है और तुम उसे पकड़ने आई हो। वो भूत हो या आत्मा हो, है तो हमारी ही बच्ची ना। बस हम दोनों यही चाहते हैं कि तुम कैसे भी लच्छी को एक बार हमें दिखा दो। लच्छी को मैं क्या दिखाऊंगी दादाजी, वो तो आप लोगों के आसपास ही घूमती रहती है और वो आपकी सारी बातें भी सुनती रहती है। देखिए ना दादाजी, यहाँ भी लच्छी है और यहाँ भी लच्छी है। जब आप लोग रोते हैं ना तब साथ साथ लच्छी भी रोती है। लच्छी रोती है क्या? लच्छी से कहना बेटी कि वो हमारे लिए बिल्कुल मत रोए। अगर आप उसे नहीं रुलाना चाहते हैं तो आप दोनों को भी हमेशा खुश रहना होगा दादाजी। अच्छी बात है, हम हमेशा खुश रहेंगे। अगर हमारी लच्छी खुश रहेगी तो उसे खुश देखकर हम भी खुश रहेंगे। लेकिन एक बार, बस एक बार हमारी लच्छी को किसी भी तरह हमें दिखा दो बेटी। तुम हमें दिखाओगी ना बेटी? आ? जरूर दिखाऊंगी दादाजी। अब आपका अपनी लच्छी को देखने का समय पास आ गया है। Thank you.
पूजा के लिए हमें एक बुद्धिमान और साहसी लड़की चाहिए। मैंने गांव वालों को बताया था, क्या तुम वैसी हो? पेट में रहने वाली लड़की को पेट में ही मार दिया जाता है। लड़की का जन्म लेने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। अगर पैदा होने के बाद भी हिम्मत नहीं दिखाए तो लोग उसे जीने देंगे क्या? लड़की, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। जो भी होगा हो जाने दो, मैं इन सब के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। आपके गांव की एक लड़की मर गई है, वो भूत बनकर घूम रही है और आप सब लोग हैं कि उससे पीछा छुड़ाने की सोच रहे हैं। असल में उसे किसने मारा है, क्यों मारा है और कैसे मारा है, इस बारे में आप में से किसी ने भी सोचा है? पत्थर मारने के लिए आपके हाथ उठते हैं पर किसी के आंसू पोंछने के लिए नहीं उठते। इसीलिए लच्छी के दुख को दूर करने और इस गांव को बचाने की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ रही है। अलिंग लिलिंग मिलिंग आसामी, अलिंग लिलिंग आसामी, अलिंग लिलिंग मिलिंग आसामी। रक्त प्रक्षालन स्वीकार करो, लच्छी नाम प्रेतात्मा मम हस्तगतम। लच्छी, स्वामी तुम्हें पुकार रहे हैं। इस जमीन पर, आसमान में, पानी में, आग में, हवा में, कहीं पर भी हो, यहाँ आ जाओ। मेरे सामने बैठी हुई इस कन्या के शरीर में आकर समा जाओ। आवाहा आवाहा आवाहा, अलिंग लिलिंग मिलिंग आसामी। वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, सत्य कह रहा हूँ। उस लड़की की आत्मशक्ति बहुत ज्यादा है। लच्छी, क्या हो रहा है ये? शमशान में लाश को भी उठाकर बैठा देता हूँ मैं, लेकिन ये आत्मा मेरे हाथ नहीं आ रही। इस लड़की की आत्मा मेरे क्रोध को भड़का रही है। मैं अब उसकी इच्छा शक्ति पर वार करूंगा, फिर देखता हूँ ये कैसे नहीं आती। उसके दादा और दादी को यहाँ पर बुलाओ। प्रणाम स्वामी। आपकी पोती मेरे साथ चोर पुलिस का खेल खेल रही है। वो चोरनी नहीं है, एक नादान बच्ची है। नादान होती तो मेरे आवाहन पर आ गई होती। वो चोरनी है इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। बेटी लच्छी, बेटी तुम कहाँ हो? भूत बन गई हो, देवी बन गई हो, तरह तरह की बातें इस गांव के लोग कह रहे हैं। तुम भूत हो, देवी हो तो हमारी बच्ची ना। हमारी बात मान लो बेटी, सिर्फ एक बार हमारे सामने आ जाओ बेटी। रो लो, चिल्ला लो, गिड़गिड़ा लो, वो लच्छी नहीं आने वाली। उसकी आत्मा को बंदी बनाना है तो इन्हें तकलीफ देनी पड़ेगी। बिल के बाहर आग जलाते हैं तभी सांप बाहर निकलता है। इन दोनों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। स्वामी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? बीच में कोई नहीं बोलेगा। किसी ने अगर रोका या टोका तो मेरे पूजा का असर उल्टा हो सकता है और मंत्रों के दुष्परिणाम से पूरे गांव का सर्वनाश हो सकता है। जल्दी पेट्रोल डालो और जला दो इन्हें। यही आवाज, किलिक 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 किलिक, यही शब्द, किलिक 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 किलिक, यही किलिक 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 किलिक। लच्छी, मैं ही लच्छी हूँ। तुम्हारे सामने जो बैठी है वो है लच्छी। लच्छी, आखिर तू आई गई लच्छी। मैं तुम्हारे कहने पर नहीं आई हूँ। ये हवा, ये पानी, ये आग, आकाश, ये जमीन, सब जगह मैं ही हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? पूरे गांव को क्यों परेशान कर रही हो तुम? बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। ऐसी कई लड़कियां गांव से गायब हो रही है, उनका अभी तक कोई पता नहीं मिला। सीनू को मैंने मारा ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है।
लेकिन मैंने सीनू को नहीं मारा, मुझे किसी ने मारा है। किसने मारा, क्यों मारा, मैं सब कुछ बताऊंगी। ये कहां से मिला तुम्हें ये ताड़ पत्र? इसके खेत के पास एक डोरी मिली, उस डोरी को खींचा तो अंदर जमीन से ये निकला। खजाने के लिए मैं इतने दिनों से यहां वहां भटक रहा था, लेकिन खजाना पाने के लिए सटीक मंत्रों का बीज अक्षर मुझे आज मिला है। परंतु इस काम के लिए सर्व गुण संपन्न एक कन्या चाहिए हमें। ढूंढो उसे, उसकी बलि से ही खजाना हमें प्राप्त होगा। उस दिन सुजाता सीनू भाग जाने वाले थे, उसी दिन सुजाता के माँ की तबीयत खराब हो गई थी, ये मुझे सीनू को बताना था। सुजाता कहाँ है? सुजाता की माँ की तबीयत। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए? केले 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 केले। गांव की उत्तर दिशा में एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे ईशान कोण में 15 कदम दूर चलकर केले 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 दाया पैर बाई तरफ, बाया पैर दाई तरफ, बाया हाथ दाई तरफ, दाया हाथ बाई तरफ। इस गांव की लड़की की इस तरह बेरहमी से बलि दी गई, ऊपर से चोरी का इल्जाम लगाया, वो भी थोड़े से पैसों के लिए। मुझ पर सीनू को धोखा देने का इल्जाम भी लगाया, सीनू का खून करने का इल्जाम भी लगाया। इसमें मेरे दादा दादी का कोई कसूर नहीं था, उनका भी अपमान किया। बीच रास्ते में उन पर पत्थर बरसाए गए, फिर भी मैं नाराज नहीं थी। मुझे किसने मारा ये जानने के लिए पूरे गांव भर में मैं भटकती रही, हर घर घर जाकर मैं उसे ढूंढती रही। सच बाहर निकालने के लिए हर घर की औरतों को सताया मैंने, जिनका कोई कसूर नहीं था। ऐसे मेरे दादा दादी, उन पर तुमने पत्थर बरसाए, कोई गलती नहीं थी फिर भी तुमने उन्हें सजा दी। तो फिर इस बलि चढ़ाने वाले राक्षस को तुम लोग क्या सजा दोगे? खजाना पाने के लालच में इसने 18 मासूम लड़कियों की बलि दी है, मगर इसे कोई खजाना नहीं मिला। तू और तुझ पर भरोसा करने वाला ये, तुम्हें इस गांव के लोगों के हाथों बलि चढ़ना होगा। आवाहन आवाहन। छोड़ो मत, मारो इसे। नहीं नहीं नहीं। आज तक हम लोग सोचते रहे कि लच्छी भूत बनकर हम सबको डरा रही है, मगर लच्छी भूत नहीं है, वो देवी है। हम लोगों ने उसे मार दिया, फिर भी हमारे पापों को धोने के लिए आई हुई देवी है वो। इतने दिनों तक हम जिसे भगवान समझते रहे, यही भूत है वो। ये कोई पुजारी उजारी नहीं है, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर हमें धोखा देने वाला धोखेबाज है। सिर्फ हमारे गांव को ही नहीं, सारे संसार को परेशान करने वाला भूत है। अगर इसे मार डालेंगे तो सिर्फ अपने गाँव का ही नहीं, सारे देश का जो भूत है वो निकल जाएगा। मार डालो इसे। तुझे मारने के बाद भी हजारों मुझ जैसे पैदा होंगे, कितनों को मारोगे तुम लोग? हम जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करेंगे।
बड़े पापा, मैडम कहाँ है? पता नहीं, और लोग भी पूछ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। अब एक काम करो, तुम उस तरफ जाकर ढूंढो, हम लोग उस तरफ जाते हैं। कहाँ चली गई होगी? पता नहीं कहाँ चली गई, अचानक से कैसे गायब हो गई, कहीं वापस नहीं चली गई। क्यों भाई, वो कहीं दिखी क्या? क्यों, तुम्हें कहीं दिखाई दी? हमने बहुत ढूंढा, कहीं भी नहीं मिली। पता नहीं कहां चली गई देवी। किसी को भी नहीं दिखेगी वो। जैसे आई थी वैसे ही चली गई, अब किसी को नहीं दिखेगी। अच्छा, क्यों नहीं दिखेगी? मैंने तुम सबको बताया था, गांव में घूमने वाली लड़की लच्छी है, उसका जो काम था वो करके चली गई। हाँ, लच्छी देवी है, देवी। फेसबुक पे तो उसका नाम ही नहीं है। मैं हूँ लच्छी,